अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महेंद्रगढ़ समान संघर्ष समिति का धरना आज चौथे दिन सरताज जनसेवा ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव के नेतृत्व में जारी रहा। कुलदीप यादव ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा के अस्तित्व के समय के साथ बना था, लेकिन राजनीतिक वेश में पिछड़ता गया। सभी राजनेताओं ने सिर्फ यहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकने का काम किया है और राज ही करते रहे हैं। महेंद्रगढ़ के जो आज ये हालात हैं, उसमें सभी राजनेता और राजघराने जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आज तक यहां सिर्फ राज ही किया है। दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेताओं से लेकर छोटे नेता हो या विधायक मंत्री, जिन्होंने सिर्फ राज ही किया है। आज इतने वर्षों के बाद भी महेंद्रगढ़ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं शून्य है। इसके लिए राजनेताओं के साथ साथ ये राजनेताओं के चमचे भी जिम्मेदार हैं, जो जनता को उनके मुद्दे हक नहीं उठाने देते। उन्होंने कहा कि हमें इस गुलाम राजनीति से निजात पानी होगी, तभी हम अपना हक पा सकते हैं। हमें बड़े बड़े नेताओं की गुलामी छोड़नी होगी, क्योंकि हमें इतने वर्षों तक इंतजार ही कर लिया है। सभी बड़े राजनेताओं को आजमा कर देख लिया है। अगर हम बात पूर्व विधायक रावदान सिंह की करें, जो मुख्यमंत्री जी के नजदीकी थे और 15 साल राज किया, लेकिन महेंद्रगढ़ को उनका हक ही नहीं दिला सके। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी हरियाणा भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के नजदीकी है, लेकिन यहाँ भी हमें निराशा ही हाथ लगी। रामविलास शर्मा झूठ बोलने की मशीन है और पिछले 15 साल से महेंद्रगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने हक दिलाने की तो बात ही अलग की है, एक बार भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब महेंद्रगढ़ का युवा जाग चुका है और अपना हक लेना जानता है। अब ये लड़ाई यहाँ हम स्वयं युवा ही लड़ेंगे। कुलदीप यादव ने कहा, जब तक सरकार इस मांग को पूरा नहीं करेगी, ये संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर बाबूलाल महायच, राव विक्रम माजरा, अजय सिंगड़ा, संजय राव रिवासा, शेर सिंह बुच्चोली, कुलवंत डालनवास समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जैसे आज संघर्ष समिति का जो धरना है, ये लंबे समय से चला रहा था, फिर दोबारा क्या करें? कारण ये रहा कि पीछे हमने 41 दिन धरना दिया और उस धरने में 41वें दिन हरियाणा सरकार के और महेंद्रगढ़ के विधायक रामविलास जी शर्मा यहाँ आए। धरना स्थल पर पहुँच करके उन्होंने कहा कि भाई, मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ, तकलीफ़ और पीड़ा आपकी जायज़ है और इस पीड़ा के लिए मैं आपके बीच में आकर के आज ये आश्वासन देता हूँ। और ये मैं वैसे आश्वासन नहीं देता, मैं हरियाणा सरकार की तरफ से और आपका महेंद्रगढ़ का विधायक होने के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपका फरवरी के पहले सप्ताह में जो आपकी मांगें हैं पूरी कर दी जाएंगी। उसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से फैसला करके और 10 फरवरी का इसको समय दिया गया, इसने समय माना। उसके बाद समिति ने दोबारा 12 फरवरी को हमने एक प्रेस के माध्यम से बताया कि भाई 10 फरवरी का आपका जो समय पूरा हो गया। उसके बाद उसने कहा कि मुझे 10 दिन का समय चाहिए। उसके बाद वो 10 दिन का समय भी पूरा होने के बाद फिर हम 22 तारीख से दोबारा धरना हमने शुरू किया। और इस बार हम कोई आश्वासन की बात नहीं करते, इस बार तो लिखित में जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम अपना धरना और ये आंदोलन छोड़ देंगे और इसी बात को लेकर के बैठे और आर पार लड़ाई लड़ेंगे और हम अपना हक लेकर के रहेंगे। आज हमारा जो महेंद्रगढ़ समान संघर्ष समिति का जो धरना है, आज चौथे दिन है, जो मेरी अध्यक्षता में आज चला हुआ है, जो अनिश्चितकालीन है। जैसा आप सब लोगों को पता है कि पीछे भी हमने 41 दिन तक धरना दिया था, जो हमारा जिला मुख्यालय की जो बहुत पुरानी मांग है और यहाँ के ये मान के चलो कि 200 गांव के आसपास 4-5 लाख लोगों की डिमांड है, जिनको हर रोज़ जो डेली रूटीन वर्क के कार्य है उसके लिए यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर नारोल जाना पड़ता है। जब पीछे हमारा धरना चला हुआ था तो जो यहाँ के विधायक हैं और शिक्षा मंत्री हैं, वो हमें आश्वासन देके गए थे कि 10 फरवरी तक ये आपकी जो काम है करवा देंगे और जिला लेवल के जो अधिकारी हैं महेंद्रगढ़ में बैठना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उनका जो वादा था बड़ा झूठा और जुमला निकला, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि इतना 1.5-2 महीने के लगभग समय होने वाला है और आज तक वो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करवा सके हैं। उसके बाद में जैसे कल यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री आए थे तो हमने परसों यहाँ जिले लेवल के उनके जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी पदाधिकारी है, प्रशासन है, सभी से हम मिले और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि आपको मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा और उनकी जो ऑफिशियल प्रक्रिया होती है विधिवत रूप से उन्हें सब डॉक्यूमेंट पूरे करवाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि कल जब हम वहाँ पे गए तो यहाँ शिक्षा मंत्री का जो पुत्र है, उन्होंने गुंडागर्दी के हिसाब से प्रशासन को इस बात पर मजबूर किया, एक सरकार का धारा लेकर और
इस बात का सहारा लेकर प्रशासन को मना किया कि लोगों को अंदर नहीं आने देना और मुख्यमंत्री को नहीं मिलना देना चाहता है, तो इस बात से स्पष्ट होता है कि यहाँ के जो विधायक है और उनके पुत्र है वो यहाँ की जनता से इतने डरे हुए हैं कि वो ये सोचते हैं कि कभी यहाँ की पब्लिक मुख्यमंत्री के सामने तुम्हारी पोल ने खोल दे, वो इस बात से डरे हुए हैं और प्रशासन का सहारा लेकर वो इस बात से दूर हट रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रशासन थोड़े दिन का आपका सरकार बदलने वाली है और कुछ समय बचा हुआ है और आने वाले समय में अब तो मुख्यमंत्री आया हुआ था, जब चुनाव का समय आएगा तो आपको गांव-गांव गली जाना पड़ेगा और उस समय जनता इस बात का आपको सवाल करेगी और आपसे जवाब मांगा जाएगा कि पिछले 5 साल में आपके यहाँ के जनता के लिए क्या काम किया। तो हम एक बात उनको कहना चाहते हैं कि ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, चाहे आप इसको कितना भी दबाने की कोशिश करें, हम आपके इन बातों से दबने वाले नहीं है, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। महेंद्रगढ़ से ब्यूरो हेड कृष्ण सैनी की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।